गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ रामलाल स्कूल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST। बेटा SST में इको है, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड बाय सुरेश सर। सो आपकी कुछ बुक्स और हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया है और इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है और एक पॉलिटी की आपकी बुक्स है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंटेम्प्रेरी इंडिया और जिसका फर्स्ट जो लेसन है जिसका नाम है साइज एंड लोकेशन। ठीक है, आई होप बेटा यू आर फिट फाइन हेल्दी, बहुत दुस्त और चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे एट योर होम। और मेरी ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना है कि आपको अच्छी तरह रखे इस क्रिटिकल टाइम में। ठीक है, वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर बींग प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू आर मिस योर नेम इन मेरिट लिस्ट ना, बट नॉट वेरी बेटा, हमें पता है आपने बहुत अच्छा मेहनत किया था, बहुत अच्छी हार्ड वर्क की थी और वो ही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। फर्स्ट नेम इज साइज एंड लोकेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक का नाम आपका और इसका फर्स्ट लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट इज नेम फर्स्ट इज साइज एंड लोकेशन। अच्छा बेटा बताओ साइज, देखो साइज क्या है, पहले तो नाम से ही देख लें इसके। साइज, साइज माने क्या होता है, साइज मतलब आकार, प्रकार, उसका शेप है ना। सो बेसिकली इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंडियाज लैंड बाउंड्रीज, कोस्टल बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड फ्यू फैक्ट अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ इंडिया वी वुड डिस्कस इन दिस चैप्टर, फाइन। तो पहला थोड़ा साइज देख ले अपन। देखो साइज तो पता ही है अपन, साइज मतलब आकार, इंडिया का जो नक्शा है, मैप है, वो किस प्रकार का है। और साइज में तो आपको पता होगा हम तो राजस्थानी वैसे ही है ना, सर किसी का बड़ा हो देख मतीरे जैसे सिरा हो, है ना, बोलते हैं ना लंबा चौड़ा मुंह हो जाए, मुंह देख बुड़कुल्लो जैसे, है ना। तो इट्स पार्ट ऑफ जॉब ना, नॉट माइंड। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन। नेक्स्ट वाला क्या है, लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या होता है बेटा, स्थिति मतलब कहां पर है। और याद करो आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास जिसमें आर इंडिया में आपको मैंने बताया था कि इंडिया इज लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, ग्लोब पर इंडिया का जो लोकेशन है वो कहां पर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया लाइज इन द ग्लोब इन दिस पार्ट। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर बेटा बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया मतलब यहां है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आज हम छोटा सा डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, फिर इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही आज के टॉपिक में बात करेंगे इंडिया के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है, तो आपको पहला पता होना चाहिए कि इंडिया ग्लोब में किस साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, याद रह जाएगा ना, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द ग्लोब। अच्छा एक याद करो, नाम आ गया है, हम बात करेंगे किसकी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। बहुत सारे बच्चों को तो पता है ये कौन सी होगी, इक्वेटर। इट्स डिवाइड ग्लोब इन टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप मुझे बताओ कि लॉन्गिट्यूड मैंने बात किया, एक तो बात की है मैंने लैटिट्यूड की, किसकी बात की, लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस आप कह सकते हो, लैटिट्यूड्स लाइन। ठीक है, ये लैटिट्यूड लाइन है और एक होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है बेटा बताओ, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन। अच्छा सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, जिनको नहीं पता उनको लिए मैं बता दूं कि जो लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल है, मतलब इस तरफ ऐसे ऐसे खींची गई 0 से 90 डिग्री, उनको क्या कहा जाता है बेटा, लैटिट्यूड। कौन सी लाइन कहा जाता है, लैटिट्यूड लाइंस। और जो हॉरिजेंटल खींची गई हैं ग्लोब पर, वो कौन सी लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड। कौन सी लाइन है बेटा बताओ, लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया, चलो नहीं आया तो आप एक काम, एक बात याद करो, देखो आपको याद करना है लैटिट्यूड,
चलो मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का कालियो, ये कालियो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कालियो इधर खड़ा हुआ है इधर, और एक इसका छोटा भाई छोटा कालिया, ये क्या कर रहा है बताओ, इधर लेटा हुआ, ये लेटा हुआ, ये लेटा हुआ, इधर वाला लेटा हुआ है ना। इसका मतलब जो ऐसे लाइनें हैं, जो लेटी हुई लाइनें, मतलब ऐसे लाइनें, वो कौन सी होगी, लैटिट्यूड, सिंपल ना। तो ये लाइनें कौन सी होगी बेटा बताओ, लैटिट्यूड। और ये जो खड़ा है, मतलब खड़ा जैसे लॉन्ग, सामने अपन जैसे कि बहुत लंबा रास्ता है, तो रास्ता कैसे इधर उधर थोड़ी जाएंगे, आगे देख के तो बोलते हैं ना, तो वो लंबा रास्ता हो गया, कौन सा हो गया, लॉन्ग। तो जो सीधी लाइनें हैं वो कौन सी हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूड्स, समझ में आ गया ना। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल ऑफ इंडिया, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। आपको बताया था, याद करो, 8 degree 4 minute 37 seconds, याद आ रहा ना, लिख के बताओ मुझे, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको लिख देता हूं। देखो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम इंडिया का क्या है, कौन से, लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं बेटा अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। तो किन अक्षांश और देशांतर लाइनों के मध्य या लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल किन के बीच में हमारा इंडिया है वो बसा हुआ है। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कि ये मतलब किसी देश की स्थिति, लोकेशन कहाँ पर स्थित है, समय क्या है, क्या है, इसके बारे में हम, इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके थे। और अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। लैटिट्यूडनल पॉइंट कितना था बताओ, 8 degree 4 minute नॉर्थ से 37 degree 6 minute नॉर्थ, ठीक है। ये तो था कौन सा, लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या था, 68 degree 7 minute ईस्ट से 97 degree 25 minute ईस्ट, यही तो था ना एक्सटेंशन, यही तो था, याद करो। What is the extension? कि latitude था 8 degree 4 minute north से 37 degree 6 minute north and longitude था 68 degree 7 east to 97 degree 25 minute east। आपको याद है ना? याद नहीं है तो याद करो इसको। और याद करने का एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम आसान, बड़ा ही जबरदस्त, बताओ। सुबह जल्दी उठो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 10-15 बादाम के गोटे खाओ और याद हो जाएगा, है ना, है ना। अच्छा चलो, लीव इट, वापस आओ। मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को कैसे याद करेंगे अपन, ठीक है। देखो इधर आपको क्या याद रखना बेटा, आपको दो बातें याद रखनी, एक तो 8, क्या 8 और 60, बोलो मेरे साथ, 8 and 60, यू हैव टू लर्न व्हाट 8 and 60, 8 और 60, ये बड़ी काम की चीज है, तो बहुत काम आएंगी लाइफ पर। और एक बार अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके इसको पढ़ लिया, इसको लर्न करिए, जो जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस एंड यू विल फील दैट हाउ इज इट, ठीक है। आपको सिर्फ याद क्या करना है, 8 और 60, याद हो जाएगा ना, बोलो एक बार, 8 और 60, ठीक है। चलो अपन लैटिट्यूड निकालें, लैटिट्यूड कौन सा था, खड़ा हुआ या कालियो लेटा हुआ था, लेटा हुआ ना, लेटा का मतलब लैटिट्यूड, क्या निकाल रहे अपन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया कितना, पहले क्या बताया था मैंने, 8 लिख दिया, 8 लिख दिया, 8 का हाफ कितना हुआ, आधा, 8 का आधा कितना होता है, 4, ठीक है, लिख दिया। 8 के ऊपर क्या लगाना अपने को, डिग्री, और
आगे वाले पर क्या लगाना है? मिनट, ये नॉर्थ है ना, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? नॉर्थ। ठीक है, 8 degree 4 minute नॉर्थ से। अब यहीं से स्टार्ट कर दो, 4 का आधा कितना, 4 से माइनस 1 किया कितना हुआ? 4 2 minus 1 3, एंड 8 2 minus 1 कितना? 7, एंड 7 2 minus 1 कितना? 6, -1 -1। देखो याद क्या किया था अपने, 8, 8 का आधा कितना? 4, एक लैटिट्यूड आया 8 degree 4 minute नॉर्थ। अगला निकालेंगे तो यहीं से स्टार्ट करो, 4 minus 1 3, 8 minus 1 7, एंड 7 minus 1 6, बीच में लगा दो 37 degree 6 minute नॉर्थ। कंप्लीट हो गया ना? It has been completed। और ये रामबाण तरीका आप नींद में भी बोलोगे, कोई उठ के बताएगा ना, नींद में भी उठ के आप बता दोगे कि हाँ सर, तुरंत कोई है ना। दूसरा निकालो लॉन्गिट्यूड, क्या निकाले बेटा? लॉन्गिट्यूड, दो बातें बताई थी ना, कौन सी? 8 और दूसरा बोलो 60। वेरी गुड, 8, यहां क्या लिख दिया मैंने? 60 या फिर 60। देखो लॉन्गिट्यूड निकालो, 60 को ऐड कर दो 8 में, कितने हो गए? 68 हो गए ना, कितने हुए? यानी 60 में 8 ऐड कर दिया, कितना आया? 68। अब 6 8, इसमें बीच में कौन सी डिजिट मिसिंग कर रहे हैं आप बताओ? यानी 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7, लिख दिया, बस हो गया 68 degree 7 7 minute ईस्ट। बात समझ में आ रही है ना? पहला में निकाला 8 और 8 में अब 8 वाला खत्म हो गया फंडा, अब हमें अगला वाला याद करना है 60। तो 8 में क्या जोड़ दिया? 60 के आ गया 68, और 68 के साथ में कौन सी नंबर मिसिंग कर रहा है? 7, तो 68 degree 7 minute ईस्ट। नेक्स्ट निकाले लॉन्गिट्यूड, देखो 37 है, वही बात, कितना जोड़ दो, ऐड कर दो कितना? 60, कितने होंगे? 97। ठीक है, 97 में यहां फर्क देखो कितना था, 9 और 7 में कितना फर्क है? 9 में से 7 माइनस की, माइनस कितना आ गया? 2, और से 7 में से 2 घटाए कितने हो गए? 5, 97 डिग्री मिनट। लेट मी रिमाइंड वंस अगेन, we have just remind how 8 and 60 we can measure and we can identify our latitude and longitude. First I am going to start latitude, I just write 8 here and just do it half. 8 ka half kitna ho gaya? 4, 8 degree 4 minute north. 4 mein se minus 1 kya kitna hua beta? 3, 8 mein se minus kya kitna? 7, और 7 में से माइनस 1 किया कितना? 6, लैटिट्यूड आ गए, गॉट इट। लॉन्गिट्यूड में क्या करना है? 60 याद कर रखना आपको, 60 ऐड कर दी 8 में, कितने आ गया? 68, 37 में कितना आ गया? 97, दोनों वाली वैल्यू, अगली वाली निकाल लो, 68 में से क्या मिसिंग हो रहा है? 7, और 97 में सब्ट्रैक्ट किया घटाया तो 2, और 7 में से 2 घटाया 5, हाउ इजी, गॉट इट, सिंपल ना। और ये चैलेंज है अपने स्कूल के बच्चों के लिए कि आप किसी को भी बोल देना कि मुझे चुटकियों में बताओ, आपको याद करना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल वे में आप किसी को भी इसको लर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप अच्छे से पढ़िए, इनको याद करिए, चैप्टर बुक्स आपके पास होंगी, चैप्टर को एक बार गो थ्रू करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैंड बाउंड्रीज एक्सटेंड, इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज, ये कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।